नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में जिले में खाद की समस्याओं, खराब सड़कों समेत कई मामलों को लेकर जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया गया। यहां कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंक विरोध जताया। घंटों कलेक्ट्रेट गेट पर जाम लगाकर कांग्रेसी नारे लगाते रहे। यहां पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो ने पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का हौसला बढ़ाया। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता को मजबूरन दूसरे गेट से वाहन लेकर बाहर निकलना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद कांग्रेसी अपना मांग पत्र उप जिलाधिकारी को सौंपने को तैयार हुए। मुद्दे पे बैठे हैं आप लोग, देखिए किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, बुआई का समय है, इसमें डीएपी खाद अत्यंत आवश्यक है किसानों के लिए। डीएपी खाद के लिए किसान सुबह से शाम तक लाइन लगा रहे हैं, कई किसानों ने दम तक तोड़ दिया लाइन में सुबह शाम खड़े होकर पूरे प्रदेश में, लेकिन कहीं भी उनको उचित ढंग से या आसानी से डीएपी नहीं उपलब्ध हो पा रही। हमारी मांग है किसानों को डीएपी खाद लगाई जाए। हमारी मांग है किसान क्रय केंद्र आपके कागजों में खुले हैं, जमीन पर खुले रहो, किसानों को धान खरीद हो, और जब जाते हैं कहा जाता है कि आपको नंबर एक महीने बाद आएगा। किसान धान बेच के ही अपना गेहूँ बोएगा, खाद देगा, सिंचाई कराएगा, बिजली का बिल देगा, सिंचाई देगा, तभी वो गेहूँ बो पाएगा। जब धान ही नहीं बिकेगा किसान क्या करेगा, मजबूर होगा किसान औने पौने दाम का साहूकार। सेंटर पे दलालों हमेशा दलाल ही बैठे रहते हैं, सेंटरों पे सब दलालों का ही भरमार है। किसान जाता है, एक एक महीने की डेट दी जाती है, आ जाता है, डेयरी नहीं है, उनको की सड़ने चाहे बच्चे चौराहे से बिल्डिंग जोड़ो, चाहे बच्चे जोड़ो, चाहे कटका से पाएंगे, तमाम सड़के जाते हैं, इसका कोई पुख्ता नहीं है। कई बार हमने जिलाधिकारी को अवगत कराया, लेकिन जिलाधिकारी कभी उठ के चले गए, जिलाधिकारी चले गए हैं, जिलाधिकारी आएंगे, नहीं आते हैं तो प्रशासन करना हम लोग बैठे। आपका चीनी मिल भी सिर्फ कागज में चल रही है, सभी समस्याओं को लेकर आज हम लोग उतरे हैं सड़क पर, निराकरण नहीं हो जाता।